तो गाइस ये क्रिकेटर से आज के यंग क्रिकेटर्स को क्या मिलेगा, उनको क्या मोटिवेशन मिलेगी कि सिगरेट पिए और हम फाइफर लें, व्हाट द हेल इज दिस। तो गाइस ये अब यंग क्रिकेटर है, साइम अयूब है, साहिबजादा फरहान है, दूसरी तरफ से क्या कहते हैं मेहर मुमताज़ है, और कई क्रिकेटर्स हैं। तो गाइस इनको क्या सबक मिलेगा, इमाद वसीम जैसे सीनियर प्लेयर सिगरेट पियो और मैदान में जाकर फाइफर करो नेशनल में। तो गाइस ये क्या इंटरनेशनल टीम में आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, तो गाइस ये इसका क्या फ़ायदा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ का क्या फ़ायदा निकला, इतनी अप्रिसिएशन, इतने पैसे क्यों, जब आप इंटरनेशनल टीम में जब मुल्क का नाम रोशन करने की बात आती है क्यों नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ उनका वैसा कप्तान शादाब खान T20 में मरियल फार्म रही, इसको बायर किया, हैट्रिक पे होने का क्या फ़ायदा, क्या इसके क्या उसको पैसे मिले, बीवी के साथ मैदान में था, माँ के साथ था, बड़ी अप्रिसिएशन, नारे लग रहे थे, ये क्या था मुझे बताओ ना। इंटरनेशनल टीम में तो पूरे मुल्क की इज्जत होती है, वहाँ से भी उन्होंने पैसा कमाना है, इधर से भी उन्होंने पैसा कमाना है। तो मुल्तान सुल्तान क्या घटिया किस्मत है, खुदा की कसम बहुत ही घटिया किस्मत है, 3 दफ़ा फाइनल में से हार गए। इमाद वसीम सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया, पता नहीं इसका तुका कहाँ से लग गया फाइफर, मुझे तो लगता है मेरा सपना था लेकिन सुबह गूगल पे चेक किया दोबारा फाइफर ही था। What the hell is this going on? जब आप इंटरनेशनल टीम में कुछ नहीं कर सकते तो फिर नेशनल टीम की इतनी अप्रिसिएशन की क्या ज़रूरत है, हम पागल हैं क्रिकेट के पीछे देखने पे, हमें क्या मिलता है, What we get from cricket? हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा टाइम ज़ाया, एंटरटेनमेंट, और उनको वहाँ पे अरबों रुपये मिलते हैं, चाहे सिगरेट पिए चाहे जो मर्जी करें। इन्होंने खे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, किसी भी कंट्री में जाते हैं हमारी बिस्ती करवा के आते हैं, हम सोचते हैं चलो क्या हमें कुछ हो रहा है, वो पैसे कमाते हैं और बिस्ती कंट्री करते हैं।